नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5, जब जनता बगावत करती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंपनी द्वारा मुगल बादशाह और उसके प्रभाव को समाप्त करने संबंधी उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 19वीं सदी के प्रथमार्ध में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। दूसरा कथन, 19वीं सदी के द्वितीयार्ध में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बादशाह की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किले से निकालकर कहीं और बसाया जाएगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली थी। इसी के तहत कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया और 19वीं सदी के प्रथमार्ध में अर्थात 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। तो इसलिए कथन, दोनों कथन देखा जाए तो उल्टा पुल्टा है। इसका कथन इसमें अगर रहता तो सही हो जाता। ये कैनिंग के द्वारा कहा गया था जबकि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुछ और कहा गया था। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, गांव में किसान और ज़मींदार बहुत अधिक लगान एवं कर वसूली के सख्त तरीके से परेशान थे। कई नए नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। और तीसरा कथन है, भारतीय समाज सुधार के अंग्रेजों के प्रयासों से भारतीय जनता रुष्ट थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा 1857 के विद्रोह के कारणों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों कथन सही दिया गया है। देख लेते हैं इसका व्याख्या। 1857 आते आते मुगल बादशाह, नवाब, जमींदार, किसान और सिपाही सभी अंग्रेजों की नीतियों से परेशान थे। इनमें किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। बहुत सारे किसान महाजनों के कर्ज में डूब चुके थे तो बहुत सारे जमींदार की ज़मीनें छीन ली गई थी। कंपनी के कई नए नियमों से सिपाहियों में असंतोष बढ़ रहा था। ये नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। उदाहरण के लिए, उस समय बहुत से लोगों और सिपाहियों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। फिर भी कंपनी ने लड़ने के लिए समुद्र के रास्ता उन्हें बर्मा जाने का आदेश दिया। कुछ वर्षों बाद मुंह से खींचे जाने वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी के प्रयोग की बात फैल गई, जिससे सिपाही बहुत अधिक भड़क गए तथा यह कारण 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारणों में से एक बन गया। अंग्रेजों ने भारतीय समाज को सुधारने के क्रम में सती प्रथा को रोकने तथा विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए। ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने की छूट दी। ऐसे प्रयासों से बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं, जिस कारण वे अंग्रेजों से अधिक रुष्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई थी? तो ये हुआ था मई 1857 में। देखते हैं,
29 मार्च 1857 को युवा सिपाही 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को वैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा मुकदमा चलाकर अप्रैल 1857 में फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास से मना कर दिया क्योंकि उनको लगता था कि इन पर गाय और शुअर की चर्बी लगी है। इसके लिए 9 मई को 85 सैनिकों को 10-10 साल की सज़ा दी गई। जो विरोध किया था सैनिक, अब उसमें से 85 सैनिक को 9 मई को क्या कर दिया गया, उसे सजा दिया गया, दंडित किया गया 10-10 साल का। और 10 मई को मेरठ में तैनात दूसरे सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां से सिपाहियों को आज़ाद कराया और 10 मई की रात को कुछ सैनिकों की टोली ने दिल्ली पहुंचकर मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया और 11 मई की सुबह से ही यह विद्रोह शुरू हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। 1857 के विद्रोह में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोगों ने नेतृत्व संभाला। क्षेत्र और नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विरजिस कद्र ये कहाँ से, लखनऊ से थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। रानी अवंतीबाई लोधी कानपुर से, नहीं ये गलत हो जाएगा। कुंवर सिंह बिहार से थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबाद। तो पहला, दूसरा और पांचवा कथन सही लग रहा है, देख लेते हैं। पहला, दूसरा और पांचवा किस में दिया, पहला दूसरा पांचवा ऑप्शन नंबर सी, तो इसका सी ऑप्शन सही है। व्याख्या देखेंगे। अठारह सौ संतावन के विद्रोह के दौरान स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने कानपुर से ब्रिटिश सैनिकों को खदेड़ा और खुद को पेशवा तथा बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर घोषित किया, जबकि लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विरजिस कद्र को नवाब घोषित कर दिया गया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी और मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व की कमान संभाली। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का नेतृत्व करते हुए महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। विद्रोह बहुत व्यापक था परंतु अंत में अंग्रेज सफल हुए। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ के कब्जे में आ गई और बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। रंगून कहाँ, बर्मा। इसी जेल में 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। नेक्स्ट देखेंगे। और मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब 1857 की क्रांति हो गया फिर जाके अंग्रेज को लगा कि नहीं, कुछ हमें अपने नीति में चेंज करनी चाहिए, अन्यथा इससे भी बड़ी आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। तब जाके कुछ उसमें चेंजिंग लाए अपने नियम नीति में। तो देखिए, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज सचिव के रूप में नियुक्त किया, बिल्कुल सही है। भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। और सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात और उनका वेतन बढ़ाने का फैसला किया गया। तो ऑप्शन इसका जो कथन तीसरा गलत लग रहा है, गलत है। चौथा देखते हैं, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, तो ये सही है।
तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया था। ऑप्शन नंबर जो अर्थात ऑप्शन कह रहे हैं कथन तीसरा गलत लग रहा है, तो केवल तीन जो है वो गलत दिया गया, बाकी सभी सही है। व्याख्या देखेंगे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित है। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया। जो 1857 के क्रांति के बाद जो कानून बना था 1858 भारत शासन अधिनियम, उसमें बहुत सारा चेंजिंग किया गया था। अब जाके जो कंपनी का जो जो यहाँ पे अधिकार था वो किसके पास चला जाता, वो सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चला गया, हाँ सौंप दिए गए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। अतः जो पहला कथन है वो सही है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए जो पहला वायसराय कौन बना था भारत का और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भारत का। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अतः जो दूसरा कथन है वो भी सही है। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की भी छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपत स्वीकार करें, मतलब उसके अंदर रहें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। इसलिए कथन जो तीसरा था वो गलत हो गया था। मुसलमानों की ज़मीनें और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अतः जो चौथा कथन है वो सही है। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों का अस्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाए। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का यह नया चरण शुरू हुआ। तो जो आज का चैप्टर था हमारा ये समाप्त होता है, जब जनता बगावत करती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे इसका आगे का। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो एक और क्लास हम लोग देख रहे हैं जो इतिहास को दिया जाएगा, प्राचीन भारत के इतिहास, वहाँ से हम लोग देखेंगे। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उसे मैं PPT पे ही करवा रहा हूँ, काफ़ी देखने में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। कोशिश है अगर वो आप वीडियो देख लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको ऑलमोस्ट जो वन डे एग्ज़ाम होता है बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से मेहनत किया गया है। ज़रूर आप लोग उसे देखिएगा, हो सकता है कल या तो आज ही फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा प्राचीन भारत के इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थात प्रागैतिहासिक काल हो गया, फिर आद्यसियासी काल हो गया, ऐतिहासिक काल शुरू से पढ़ेंगे अर्थात पाषाण युग से ही पढ़ेंगे उसमें, जिसमें हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सारा चीज़ उसमें हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।